नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानू आपणकर प्रिय ओडिया कुकिंग चैनल खाना रोजाना को स्वागत करुच्ची। आज आपण मानी खाना रोजाना किचन ने नहीं आसी गोटे टेस्टी खटार रेसीपी जहाँ हूँ पनीर आ सपुरी गोटे टेस्टी आ यूनिक रेसीपी। तेज चलत आज प्रस्तुत करवा रेसीपीटी। सपुरी और पनीर ये खटा प्रस्तुत करने मुझे प्रथम गोटे सपुरी नहीं जो सपुरी की बहुत भल से पची जाइ देखूँ। मुझे जो सपुरी नहीं भी बहुत भल से पची जाइए। एवं यहाँ चोपा छड़ी मुझे छोट छोट इपरी काटिनेबी। तापर गोटे जगार मुझे प्रथम पा गरम कर जो सपुरी को काटिकी रखी से सपुरी को ये पकई देमती आम भल से सीझीज। आपण जी तार झोल चाहूबे से पा आप गरम करेंगे। यार झोल भी बहुत टेस्टी होता है से अधिक पा नहीं तार झोल बनवाई। आपड़ जी गाढ़ा चाहिए से अनुसार पा को भी कम बेसी करें। आम ये सपुरी को भल से सीझेदे और से मुझे हाफ टी स्पून लुण आड करूँ कभर करके सीझेदेवी। ता पूर्व मुझे अदा को करी रखी से अदा को ये नहीं जापाखि दुई टी स्पून कोरा अदा नहीं जा एबे आकु आमे सिझिबा छाड़देबा। आ सही समय रे ही मुझे देखूँ पानी को गरम कर नहीं ची। आ 200 ग्राम पनीर को काटिक रखिली से पनीर को ये गरम पानी रे टिके गरम कर जहाँ फल कि पनीर आमर पूरा भल से नरम हो तार टेस्ट भी बहुत भल आसीज। एबे आमे आकु गोटे रु दुई मिनिट पर्यंत ये गरम पानी ने इपरी भाव कुक करनेबा बाहर करनेबा। ये आम जो सपुरी को सीझेपी बसई सपुरी एवं फुटा स्टार्ट कला। मुझे दुई टी स्पून गोलमरीच पाउडर को दे दूँगी। गोलमरीच पाउडर टेस्ट आम खटारे बहुत ही भल आसी था। एबे ता सहित ही मुझे चीनी आड कर स्वाद अनुसार चीनी ने मुझे 100 ग्राम चीनी नहीं जाऊँगी। से चीनी को पकई सारापर आम सांगे सांगे ये डंका मारिक मिक्स करनेबा ना तलु चीनी आम लग। आगे पुणी आउ थे सीझेपी छाड़देबा। एवं सपुरी सीझुवा समय ही आम आपको फुटेबापी फुटण फुटे ना मुझे दुई टी स्पून रिफाइंड तेल नहीं जात ही ये दुई टी स्पून सोरस को नहीं जाती में भुर्सुंग पत्र को आड कर फुटीगलापर आम आपको आड करनापर भाव सहित मिक्स करनेबा। एबे देखंतु हमर एडी सपुरी पूरा भलसे सिझी गलाणी। एबे आमे आकु ठंडा हेबा पई छाड़ी देबा। तापरे मु एडी देखंतु 200 ग्राम दही नै छी आ से दही को इपरि भाबरे भलसे उइस करि नउ छी जेमिति ता भलसे स्मूथ हे जिवो। मु एडी हैंड उइस कर यूज कर छी। आपण चाहिले चामच रे भी आकु उइस करि परिबे आ आकु पूरा भलसे इपरि गोटे रे 2 मिनिट पर्यंत मिक्स करिकि स्मूथ करि नबे। वीडियो टी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भल लगे आम चैनल को निश्चय लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल नुआ थे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा को जमा भी भूलिबेनी। एडी देखंतु दही पूरा भल से स्मूथ हो गलाणी। एबे आम यहाँ खटारे आड करनेबा। एडी सपुरी आमर पूरा ठंडा हो गलाणी। एबे इथरे आम दही को आड करबा। पूरा ठंडा हो सारा पर ही आम एडी दही को आड करबा नहले एडी आमर दही पूरा छेना छिन जिवा आ टेस्ट भल आसिबोनी। एबे मुझे दही को इथरे आड कर नउछ आ भल से भाव में मिक्स करने भी। ये खटा आमर बहुत कम समय रे बनी जाता है बहुत ही टेस्टी लगता है। आपन निश्चय थे ये नुआ प्रकार खटा को टेस्ट करूँ आ प्रस्तुत करूँ ये प्रोसेस रे। एबे जो पनीर को मुझे रखी थी से पनीर को इथरे आड कर नउछ आ ताकु भी इपरि भाव में मिक्स कर नउछ। एबे एटी आमे सब सुखा मसला नहीं जावा। सुखा मसला रे मुझे तीन टी स्पून जीरा पाउडर नहीं जाऊँगी। ता सहित ही दुई टी स्पून सैंधव लुण नहीं जाऊँगी। सैंधव लुण टेस्ट आम खटारे बहुत ही भल आए। आ सहित गोटे टी स्पून सादा लुण नहीं जाऊँगी जोटा कि आप स्वाद अनुसार ने सब कु भी भल से भाव में मिक्स कर नौ। देखो के इजी प्रोसेस रेत कम टाइम टेस्टी खटा प्रस्तुत हो गला। आप निश्चय थे यहाँ प्रस्तुत करूँ और किपर लगला मत कमेंट बक्स में कमेंट कर निश्चय जनइबे। वीडियो टी शेष पर्यंत देखिथिबा जोगु बहुत बहुत धन्यवाद।